So hello everyone, welcome to Prashasanik Gurukul. Today we are going to analyze schemes related to labor law. जो भी आपका लेबर लॉ से रिलेटेड, लेबर वेलफेयर से रिलेटेड स्कीम है, इंपॉर्टेंट स्कीम, वो मैं यहाँ पे कवर करूँगा. उसके बाद में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, उसमें जो भी रिमेनिंग जो स्कीम है आपकी वो सारी कवर हो जाएंगी. ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम जो आपके सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जो आपका लेबर के जो डायरेक्ट वेलफेयर है उससे रिलेटेड है, इनडायरेक्ट वेलफेयर जो मैंने सोशल सिक्योरिटी बताया टोटल कवर करेगी सारी चीजें. ठीक है, और उसमें कुछ ऐसी स्कीम्स होगी जो वुमेन से रिलेटेड है, उनके जो सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड है. तो ये सारे आपको जितना भी इंपॉर्टेंट स्कीम आपको लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है, मिनिस्ट्री ऑफ जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है, जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर अदर जो भी आपका स्कीम है, वेलफेयर मेजर्स जिसमें इंक्लूड है, वो सब यहाँ पर होंगे. ठीक है, जो वेलफेयर मेजर्स होंगे वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पज से. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम मैंने इस पर्टिकुलर स्लाइड्स में रखा है, उन सबको देख लेते हैं वन बाय वन. तो सबसे पहले जो है आपका वो है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना. आपको पता है कि आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज था वो किस टाइम पे, कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो डिफरेंट सेक्टर है, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, और चाहे वो इंडस्ट्री की बात करें उसकी बात हो, या फिर अगर हम सोसाइटी में बात करें तो डिफरेंट सेक्शंस के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर पैकेज अनाउंस किया था जिसमें डिफरेंट वेलफेयर मेजर्स थे. तो वहीं पर एक आपकी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना थी. अब उस योजना में पर्टिकुलरली क्या था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस योजना में जो एम्प्लॉई कवर किए गए थे वो कौन थे, जिनका आपका वेज कितना था, 15,000 से कम. ठीक है, जो लोग 15,000 से कम का वेतन पा रहे थे वो लोग इसमें इंक्लूडेड थे. हु वाज नॉट वर्किंग इन एनी एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड विद ईपीएफओ, ठीक है, बिफोर इतना, एंड ये कट ऑफ डेट है 1 अक्टूबर 2020, एंड डिड नॉट हैव ए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ठीक है, और ईपीएफ मेंबर अकाउंट नंबर प्रायर टू दिस पर्टिकुलर डेट. देखिए यहां पर क्या है कि ये कवर किसको करना चाह रहा है, ये कवर उन पर्सन्स को करना चाह रहा है, उन एम्प्लॉय को करना चाह रहा है, उन वर्कर को करना चाह रहा है जो बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में है, जो किसी तरीके का जो है आपका जो ईपीएफओ है उससे रिलेटेड जो पर्टिकुलर एक सोशल नेट वेलफेयर स्कीम है, जो प्रोटेक्शन है वो प्राप्त नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना. ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है बेसिकली, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही आपको क्या है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती, और 15,000 से कम का आपका वेतन है. ठीक है, एनी ईपीएफ मेंबर, ठीक है, पोजेसिंग यूएएन नंबर ड्रॉइंग मंथली सैलरी, और ठीक है, और किस टाइप के मेंबर और इंक्लूड है इसमें, जो ईपीएफ मेंबर तो है पर 15,000 से कम की सैलरी उनको मिल रही है, और तीसरी चीज क्या है यहां पे कि उनको किसी तरीके से उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो चला गया है. ठीक है, किसी तरीके से कंपनी ने या तो उनको निकाल दिया है, जो भी पर्टिकुलर कंडीशन आई है उसकी वजह से उनका एम्प्लॉयमेंट चला गया है, वो लोग भी इसमें एलिजिबल है. ठीक है, तो दो कंडीशन आपने यहाँ पे देख ली कि एक तो वो लोग जो ईपीएफओ के किसी टाइप के जो उनका प्रोटेक्शन है, जो उनका सोशल वेलफेयर का नेट है उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, 15,000 से कम दोनों में कंडीशन है, उनकी वेज 15,000 से कम होनी चाहिए तभी वो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का बेनिफिट ले सकते हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं कि इस पर्टिकुलर जो आपकी योजना है उसमें होगा क्या, बेसिक फीचर क्या है. तो इसके अंदर जो आपकी गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, गवर्नमेंट विल बियर द शेयर ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. देखिए जो आपका ये पर्टिकुलर अकाउंट है, जो आपका कौन सा अकाउंट है, ये आपका जो एम्प्लॉयमेंट का जो ईपीएफओ का जो अकाउंट होता है, जो पीएफ जो अकाउंट रहेगा, ठीक है, इस पीएफ अकाउंट में क्या होगा, आपका पीएफ अकाउंट में पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन होता है. जो मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ मैं भी अपनी सैलरी का कुछ परसेंटेज देता हूँ, और जो एम्प्लॉयर होता है जिसने मुझे रिक्रूट किया हुआ है वो भी कुछ परसेंटेज देता है. तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कह रही है, ये जो दो कैटेगरी के लोग थे जो 15,000 से कम कमाते थे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है गवर्नमेंट बियर करेगी, ये यहाँ पे देख सकते हैं. और ये इंप्लीमेंट किसके थ्रू होगी, ईपीएफओ के थ्रू होगी. ठीक है, किस टाइप की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या, कौन सी स्कीम होती है, जहां पे सेंटर डायरेक्टली बियर करता है एक्सपेंसेस को.
ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन सेंटर के थ्रू होता है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होती है, वो स्कीम जिसमें जो एक्सपेंस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सेंटर एंड स्टेट में, और मेनली जो इम्प्लीमेंटेशन वर्क होता है वो स्टेट करता है, ठीक है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, इम्प्लीमेंटेशन और एक्सपेंसेस को बियर कर रहा है आपका सेंटर, और इट हैज बीन लॉन्च्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 2022-2023, ठीक है, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये आपकी स्कीम थी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए नेक्स्ट, और यहां पर कितना उन्होंने बोला था, कितना वो 12% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको बियर करेंगे, 12% ओपेजेस, ठीक है। अब अगला है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अब ये योजना क्या है, ये योजना पर्टिकुलरली चलाई गई थी पायलट बेसिस पे, किसके द्वारा, ये आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा कितने पीरियड के लिए, आपके 2 साल के लिए, क्या करने के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द इंश्योर्ड पर्सन हु हैज बिकम अनएम्प्लॉयड, कुछ ऐसे लोग जो इंश्योर्ड तो है बट उनका एम्प्लॉयमेंट किसी कारण चला गया है, उन सबको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए ये आपकी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना बनाई गई थी। अब अगर इसकी टाइम की बात करते हैं, तो टाइम की अगर मैं बात करूं यहां पे पर्टिकुलरली, ये आपका 1 जुलाई 2018, देखिए कभी कभी वो जो इंपोर्टेंट स्कीम है उसकी इंप्लीमेंट जिस डेट को वो एनफोर्स लागू हुई या फिर जिस डेट से वो लॉन्च हुई वो पर्टिकुलर डेट पूछ लेते हैं किसी किसी स्कीम में, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सारी स्कीम का लॉन्च डेट आप याद रखना, बट कुछ इंपोर्टेंट स्कीम है, जैसे अभी भी आप जाएंगे तो बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपका जीएसटी से रिलेटेड आ जाता है, जीएसटी किस पर्टिकुलर डेट को इंप्लीमेंट हुआ आपका आ जाता है, स्मार्ट सिटी मिशन जो है आपका या फिर अमृत जो मिशन है वो उस पर रिलेटेड आ जाता है, और या पुरानी जो स्कीम होती है आपकी, ठीक है, लीड बैंक स्कीम एक यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जबकि इस सेक्शन से रिलेटेड नहीं है बट ईपीएफओ में आपका आ सकता है लीड बैंक स्कीम, इसको आप हमेशा ध्यान में रखना, ये यूपीएससी का फेवरेट है, और मैं आपको कुछ स्कीम और एक्स्ट्रा करा दूंगा एमसीक्यू में, बट लीड बैंक स्कीम आप याद रखना, 1960s की वो स्कीम है, ये यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है इस पे, ठीक है, यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन जो आपकी पुरानी स्कीम है उनसे पूछती है, आप ये याद रखना, जब भी आप यूपीएससी की कोई एग्जामिनेशन में जा रहे हैं आप ये मत सोचना जो पिछले 2-3 साल में इंपोर्टेंट स्कीम है मैं सारी करके चला जाऊंगा तो काम हो जाएगा, नहीं, आप हमेशा एक बैकग्राउंड अपना तैयार रखना कि जैसे हम नेशनल हेल्थ मिशन की बात करते हैं, हम दीनदयाल उपाध्याय कौशल जो मिशन है उसकी बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट जो मिशन है, ठीक है, उससे पहले और भी बहुत सारी स्कीम थी, ठीक है, तो उन सब का एक बैकग्राउंड से आप जरूर याद रखना कि ये ऐसे ऐसे स्कीम है, बहुत सारी स्कीम आपको पता चलेगा कि ये जो है यहाँ पर उसका नाम चेंज कर दिया गया और उसमें कुछ फीचर ऐड कर दिए गए, ठीक है, पहले उस स्कीम को कुछ और बोलते थे अब उस स्कीम को कुछ और बोलते हैं, ठीक है, तो उसका एक बैकग्राउंड अपने माइंड में हमेशा रखना। अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद में एक बैकग्राउंड का ओवरव्यू भी मैं आपको जरूर दूंगा जिसमें मेजर स्कीम जो है वो आपकी होंगी, बट अभी हम ईपीएफओ से डायरेक्टली लेबर लॉ और जो लेबर वेलफेयर है उससे रिलेटेड स्कीम को देख रहे हैं, तो यहां पर हमारा फोकस इस पर्टिकुलर लेक्चर में वही रहेगा, ठीक है, इस स्कीम को आप देख लेना। तो ये पर्टिकुलरली आपकी 1 जुलाई को 2018 को ये लॉन्च किया गया था पायलट बेसिस पे। अब ये क्या है, टू प्रोवाइड द बेनिफिट टू इंश्योर्ड पर्सन हु हैव बिकम अनएम्प्लॉयड, ये ध्यान रखना, ये किस लोगों किन लोगों का कल्याण कर रही है, ये उन लोग, देखिए अटल बीमित व्यक्ति, बीमित व्यक्ति पहले ही अगर प्रोविजन आ गया कि बीमित व्यक्ति है ये, तो मतलब जो पहले से इंश्योर्ड पर्सन है उनको रिलीफ दे रही है ये, तो इस स्कीम को आपको याद रखना है, जो बीमित व्यक्ति है उसको क्या दे रही है, उसको रिलीफ दे रही है जो अनएम्प्लॉयड हो गया है, ठीक है। द स्कीम वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 1 ईयर, ठीक है, ये आप देख लेना, स्कीम एक्सटेंड होती रहती है जब भी गवर्नमेंट अपने अपने पर्टिकुलर पीरियड में स्कीम को, बट आपको लॉन्च डेट हमेशा याद रखना, ठीक है। स्कीम प्रोवाइड रिलीफ टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ एवरेज पर डे अर्निंग, ठीक है, 50% तक आप जो पर्टिकुलरली जो भी जब तक आपका एम्प्लॉयमेंट था तब तक आप जो वेज आप ले रहे थे उसके 50% तक ये रिलीफ प्रोवाइड करती है, बस इतना याद रखना, ज्यादा नहीं जाना आपको डिटेल में।
नेक्स्ट इसका जो पर्टिकुलर फीचर है अब देख लेते हैं वन बाय वन। पहला क्या बता रहा है ये कि द रेट ऑफ रिलीफ हैज बीन डबल। देखिए ये मैंने आपको बताया कि 50%, पहले 25% था, अब बीच में बढ़ा दिया गया। दूसरा क्या है, इंश्योर्ड पर्सन शुड हैव बीन इन इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर। अब आपसे पूछा जाए कि भाई जो इंश्योर्ड पर्सन है वो कितने दिन तक एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, क्या कंडीशन है। तो जब वो एलिजिबल होगा इस स्कीम के लिए, उससे पहले 2 साल तक वो वहां पे काम कर रहा हो एज ए इंश्योर्ड पर्सन। ये ध्यान रखना, एज ए इंश्योर्ड पर्सन आपका काम कर रहा हो, ठीक है। और शुड हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर नोट लेस देन 78 डेज इन द कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड इमीडिएटली प्रोसीडिंग द अनएम्प्लॉयमेंट एंड मिनिमम 78 डेज इन वन ऑफ द रिमेनिंग 3 कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड इन 2 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर सिंपल ये 78 डेज का क्या पीरियड है कि भाई आप जब आप इंश्योर्ड होते हो तो आप इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम तो भरते हैं, तो वहाँ पर आप एटलीस्ट आपका 70 डेज जो है उसका कंट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए। ठीक है, हम पिछला कैलकुलेट करेंगे कि आप इस टाइम से अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, तो उसके पीछे हम देखेंगे कि 78 डेज एटलीस्ट आपने जो इंश्योरेंस है उसमें कंट्रीब्यूट किया है। जो प्रीमियम आप देते हैं, आप कोई इंश्योरेंस कराते हैं उसका पर्टिकुलर प्रीमियम देते हैं, तो आप मान लिया 2 साल से इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो उसमें कम से कम आपने 78 डेज आपने क्या किया हो, उसका प्रीमियम भरा हो, जो भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रीब्यूशन हो उसको दिया हो। ठीक है, क्लेम शैल बिकम ड्यू 30 डेज आफ्टर द डेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब ये क्या है कि भाई आप आज आज आपकी नौकरी चली गई, अनएम्प्लॉयड आप हो गए, तो नेक्स्ट जो 30 डेज है उसके बाद में आप अपना जो इंश्योर्ड सम की हम बात कर रहे हैं 50% तक सैलरी का, वो आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वो 90 डेज वाला रहने देना, अर्लियर ये पहले जो था आपका 90 डेज था, अब 30 दिन बाद ही आप क्लेम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो स्कीम है वो है आपकी नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम। अब ये नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम है क्या, देखिए इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत जो आपके चाइल्ड लेबर है उनके रिहेबिलिटेशन की बात की गई है। ये क्या बात करता है कि ये आपका नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, ये जो चाइल्ड लेबर था उसको आपने क्या किया, रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद में आपने उसको पर्टिकुलरली, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, उसके हेल्थ की बात हो, या अदर काइंड ऑफ रिहैबिलिटेशन मेजर्स आपने लिए, तो यहाँ पर जो बेनिफिशियरी है उस बेनिफिशियरी में आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि जो चाइल्ड वर्कर है बिलो द एज ऑफ 14, ठीक है, और दूसरा है जो आपका बिलो द एज ऑफ 18 जो नॉन हैजार्डस जो इंडस्ट्री है उसमें काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप की कैटेगरी है, एक तो 14 से नीचे वाले, एक आपके 18 से नीचे वाले, और स्पेशली मैं उसको कैटेगरी डालता हूँ 14 to 18 वाले। ठीक है, तो 14 से बिलो वाले और 14 to 18। अब मैं ये दोनों को अलग अलग क्लासिफिकेशन क्यों दिया, मैं आपको सिंपली बोल देता चाइल्ड जो है या फिर जो माइनर है वो बोल देता, बट यहाँ पर जो अगर आप वेलफेयर मेजर देखेंगे तो दोनों के लिए वेलफेयर मेजर्स अलग अलग है। ये पहले तो मैं आपको बता दूं ये किस टाइप की स्कीम है, एक नेशनल चाइल्ड जो वेलफेयर है, देखिए आप समझ सकते हैं कि नेशनल चाइल्ड लेबर अगर आप किसी टाइप का प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम चांस है कि आपका वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी। तो पहला तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर जो चाइल्ड है 5 to 8 का, अगर वो रेस्क्यू किए जाते हैं तो उनको हम क्या करेंगे, फॉर्मल एजुकेशन में सर्व शिक्षा अभियान, आपको पता होगा सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि भाई जो एनरोलमेंट है बच्चों का जो एजुकेशन में, जो प्राइमरी लेवल की अगर हम बात करें, एनरोलमेंट वो क्या हो जाए, 100% हो जाए। तो यहाँ पर जो रेस्क्यूड चिल्ड्रन है 5 to 8 केज के, तो हमारा जो यहाँ पर एक मेन काम रहेगा वो रहेगा कि भाई आप सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू उनको फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करें। फिर दूसरी एज ग्रुप आ गया 9 to 14। 9 to 14 अगर आपने रेस्क्यू किया है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जो NCLF जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है उसके अपने ट्रेनिंग सेंटर्स है, वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में आप क्या करोगे, उनको एजुकेशन के साथ साथ में कुछ बेसिक स्किल भी प्रोवाइड करोगे जिससे आने वाले टाइम में वो एम्प्लॉयड हो सके। ठीक है, फिर अगला है आपका फंड्स आर प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटी। तो जो आपका नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है उसके तहत आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है आपकी सोसाइटीज ऐसे क्रिएट की जाती है, डिस्ट्रिक्ट जिनको बोलते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटी, तो डायरेक्टली फंड जो है वहां दिया जाता है
ठीक है, हु इन टर्न एंगेज्ड एंड एलोकेट फंड टू एनजीओ और कोई भी सिविल सोसाइटी, कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा है या फिर वो रेस्क्यू वर्क में किसी भी टाइप के वर्क में अगर वो इन्वॉल्व है, उनको डायरेक्ट फंड नहीं दिया जा दिया जाता। आपसे पूछा जा सकता है कि अंडर नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, अंडर नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट द फंड इज डायरेक्टली एलोकेटेड टू एनजीओज। नहीं, फंड दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटी को, तब वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपका एनजीओ को या बाकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हाईलाइट भी किया है क्योंकि ये डायरेक्टली चाइल्ड जो लेबर वेलफेयर है उससे रिलेटेड है। आपका एक पोर्टल है पेंसिल पोर्टल, इसको बोलेंगे प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। ये डेडिकेटेड पोर्टल है जहां पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अब ये क्या है, ये आपका जो एक्ट है, ये जो आपका प्रोजेक्ट है NCLF नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, उसी के इम्प्लीमेंटेशन को अच्छे से बनाने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए भाई सक्सेसफुल है नहीं है, वो सारी चीज़ों के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल है पेंसिल पोर्टल। आप ये याद रखना, पेंसिल पोर्टल मतलब पेंसिल में आप सी से ध्यान रख लेना कि जब मैं सी की बात करता हूँ, बच्चे जो है पेंसिल जलाते हैं तो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। ठीक है, पेंसिल पोर्टल डेडिकेटेड टू चाइल्ड लेबर। ठीक है, और जो आपका नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है उसके इंप्लीमेंटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए ये जो आपका पोर्टल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके EPFO एग्जामिनेशन में आ सकता है। नेक्स्ट आपकी एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, इसको आप जानते भी होंगे, इंटीग्रेटेड सोशल इंश्योरेंस स्कीम है, और मैंने आपको बताया था ESIC जो पर्टिकुलर एक्ट आया उसी के तहत ये आपकी स्कीम है। और यहाँ पर ये क्या क्या चीजें, बस आप ये ध्यान रखना कि ये जो है किस टाइप का आपका बेनिफिट प्रोवाइड करती है, किस टाइप का सोशल कवर ये आपको देती है। तो यहाँ पर मैंने बताया हुआ कि ये आपका सिकनेस में, मैटरनिटी में, डिसेबलमेंट में, डेथ में, ठीक है, ये जो मेजर चीज़ें हैं इनके अगेंस्ट ये आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, एक सोशल कवर देती है, एक सोशल नेट प्रोवाइड करती है, एक टाइप का प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, इस पर मैं आपको MCQ बना दूंगा, जो आप कुछ यहाँ पर फीचर्स बस आप देख लेना। अगर फीचर्स में आप देखेंगे, सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम है, ठीक है, दूसरा क्या है, फंडेड बाय बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, जो मैंने आपको बताया जैसे हम PF की बात करते हैं तो यहाँ पे भी क्या है, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ये पर्टिकुलर एक्ट से आई है, ठीक है, एडमिनिस्टर कौन करेगा इसका, ये आपको पता ही है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो इसमें ज़्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है। अब आप देखेंगे कि ये आपका जो पर्टिकुलरली अप्लाई होगा वो किस पे अप्लाई होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका एक्ट है ये उन सभी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है जिसमें क्या है, 10 और 10 से ज़्यादा आपके एम्प्लॉई है, और जो कि सैलरी कितना आपका अप टू 21,000 तक जो सैलरी ले रहे और आपके 10 टू और मोर आपके वर्कर्स या एम्प्लॉई वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये दो चीज़ आपको याद रखना, हाईलाइट मैंने किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 21, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या है, आपका 10 और मोर देन 10। अब है आपका नेक्स्ट स्कीम जो है आपकी दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते। ठीक है, अगर मैं इस स्कीम की बात करूं तो ये आपकी पर्टिकुलर स्कीम जो है आपका क्या प्रोवाइड करती है, ये एक तरीके का पूरा सोशल नेट है, लेबर से रिलेटेड आपका जो वेलफेयर है उसको इसने कंसाइज वे में करके, या यूनिफाइड स्कीम आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एक डेडिकेटेड यूनिफाइड स्कीम है जिसने जो लेबर वेलफेयर को इजी बनाने का कोशिश किया और सिंप्लीफाइड किया कि वो एक्सेस कर पाए अपने जो भी उनके लिए मेजर्स लिए जाते हैं वेलफेयर, उनको इजीली एक्सेस कर पाए। तो आप इसमें देख सकते हैं कि पहला इसके अंदर है आपका एक श्रम सुविधा पोर्टल, ये आप देख सकते हैं डेडिकेटेड एक पोर्टल है श्रम सुविधा पोर्टल। ये क्या करता है, ये एलोकेट करता है हर लेबर को एक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि भाई आपका जैसे एक यूनिक आईडी आपके आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, यूनिक आईडी आपकी होगी तो गवर्नमेंट को आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो श्रम सुविधा पोर्टल सुविधा कर रहा है, ये ईज ऑफ डूइंग वेलफेयर कर रहा है, जैसे हम ईज ऑफ डूइंग लेबर की बात करते हैं यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग वेलफेयर की बात आ रही है। ठीक है, श्रम सुविधा पोर्टल। दूसरा आपका है ट्रांसपेरेंट लेबर
इंस्पेक्शन स्कीम फॉर रैंडम सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स फॉर इंस्पेक्शन। यहाँ पर ये सिंपली क्या है कि ये पर्टिकुलरली जो इंस्पेक्शन होता है लेबर वेलफेयर से रिलेटेड कोई भी जो पर्टिकुलर अथॉरिटी असाइंड होती है तो उसके जो इंस्पेक्शन मैकेनिज्म है जो उसका इंस्पेक्शन का जो प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई कर रहा है। ठीक है, उसके लिए क्या है कि ये यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इलिमिनेट ह्यूमन डिस्क्रिशन इन सिलेक्शन ऑफ यूनिट। तो यहाँ पर अपलोडिंग ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट, यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि भाई आप जो है एक रेंडम बेसिस पे यूनिट सेलेक्ट होगी, भाई आपको किसी को अथॉरिटी जो है उसको इंस्पेक्शन के लिए जाना है तो वहां पर ह्यूमन डिस्क्रिशन नहीं है कि आप इसको चूज कर ले आज, उससे क्या होगा इंस्पेक्टर राज आ जाता है। उससे आपने सुना भी होगा कि पहले इंस्पेक्टर राज की भाई कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी है वो जाके क्या करेगी फैक्ट्री ओनर या एस्टेब्लिशमेंट ओनर को जाके परेशान करेगी। अब ये क्या है, यहां पर ये जो है सिंपली टेक्नोलॉजी का यूज करके रेंडम बेसिस पे सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो आपको नहीं पता है जो आपका जो इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी है उसको नहीं पता है कि किसको जाके चेक करना है। ठीक है, तो और दूसरा क्या है कि जो वो रिपोर्ट है उसको भी वो अपलोड करेगा विद इन 72 आवर्स। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करके डिस्क्रिप्शन को हटा रहे हैं, करप्शन और जो बाकी सारी चीजें हैं उनको आप रिमूव कर रहे हैं। तीसरी चीज है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ठीक है, यहाँ पर एक जो आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट है वो पोर्टेबल और यूनिवर्सली एसेसेबल आपको एसेसेबल हो गया। देखो आपको पता ही होगा कि ये अब आप क्या कर सकते हो, अपना जो पीएफ अकाउंट है जो आपका पीएफ अकाउंट है तो वो एक ही नंबर हो गया, यूएन नंबर हो गया। आप अगर किसी कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करते हो तो आपको ये नहीं है कि वहाँ पे जाके नया पीएफ अकाउंट आपको बनवाना है, नहीं, एक ही पीएफ अकाउंट आपका। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि आप जॉब स्विच कर रहे हैं तो कोई नहीं है, वही पीएफ नंबर आप अपने एम्प्लॉयर को दीजिए कि सर ये मेरा पीएफ नंबर है, इसी में आप कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो होता रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लेबर के लिए किसी को, भाई आप एम्प्लॉई हो किसी कंपनी में, आप स्विच करना चाहते हो, आप कहीं और पे जाना चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर से आप गवर्नमेंट सेक्टर में आए, गवर्नमेंट से आप प्राइवेट में जाए, तो क्या आप बार बार पीएफ अकाउंट चेंज करते फिरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर दिया, एक यूनिवर्सल नंबर दे दिया, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ठीक है, तो पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें इजिली हो जाता है। फिर आपका दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते जो कार्यक्रम है उसमें आप ध्यान रखना, ये सारी चीजें हैं, पांच इंपॉर्टेंट है। अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर यह आपका पर्टिकुलरली उनको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, कि जिससे क्या होगा, अप्रेंटिस करता क्या है कि यहाँ पर अगर आप प्रमोट करते हो इस पर्टिकुलर स्कीम को तो इंटीग्रेशन होता है, स्किल एनहेंसमेंट होता है, और जो आपका एजुकेशन के साथ में स्किल चाहिए और इंडस्ट्री से जो लिंकेज का गैप है इंडिया में स्पेशली अगर मैं बात करूं और स्पेशली टेक्निकल सेक्टर में, अदर सेक्टर में भी जो गैप है कि भाई जो आपका एजुकेशन है वो सिंपली आपका थ्योरी बेस्ड एजुकेशन ज़्यादा है, ट्रेनिंग और बाकी जो इंगेजमेंट है इंडस्ट्री के साथ में वो कम है, तो ये सारी चीज़ें वो बढ़ावा देगी। ठीक है, फिर रिवैम्प्ड राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, तो ये क्या है आपका, ये टोटली आपकी स्मार्ट कार्ड बेस्ड स्कीम हो गई और ये है किसके लिए, आपके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए। ठीक है, तो इसमें दो पर्टिकुलर स्कीम आती है, आम आदमी बीमा योजना एंड नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, तो ये आप देख लेना, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसमें क्या है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में कि आपको जो है जो फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाएगी, जो भी आपको इस टाइप का सोशल कवर दिया जाता है, जो भी आपको या फिर इंश्योरेंस की जो बात की जाती है, वो सब अब आप कैशलेस हो गया, स्मार्ट कार्ड बेस्ड हो गया है। तो ये पूरा जो आपका दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम है, ये बेसिकली ईज ऑफ क्या कर रहा है, ये आपका कर रहा है ईज ऑफ लेबर वेलफेयर। या ईज ऑफ, जैसे हम डूइंग बिजनेस बोलते हैं, ईज ऑफ डूइंग वेलफेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लेना, पांच चीजें इसमें हैं, आपसे पूछा जा सकता है पर्टिकुलरली कि ये यूएन किसके अंडर अब आता है, तो ये पर्टिकुलर ये स्कीम है आपकी। देखिए, जब से न्यू गवर्नमेंट आपकी आई है तो उसने क्या किया है, बहुत सारी स्कीम का यूनिफिकेशन कर दिया है, मर्ज कर दिया है। जैसे आप वुमेन के रिलेटेड भी देखते हो, आप मिशन शक्ति आपने देखा, ठीक है, तो वहाँ पर भी यूनिफिकेशन कर दिया गया है, एक यूनिफाइड स्कीम होगी और उसके सब सेक्शन होंगे, उसके अंदर डिफरेंट हेड्स होंगे जो डिफरेंट पर्टिकुलर जो मेजर है उससे रिलेटेड है। तो यूनिफिकेशन हुआ है, उससे एक कन्फ्यूजन भी दूर हुआ है, क्योंकि बहुत सारी स्कीम होती है तो उसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप
जागरूक होता है वही अवेयर नहीं होता है, क्योंकि डिफरेंट स्कीम्स होगी। तो यहाँ पे यूनिफिकेशन आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखोगे तो वहाँ पर भी यूनिफिकेशन हो गया है कि आपका जो है जो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, तो एक स्कीम एक जगह लेके आ गए। जो टेक्नोलॉजी और आपका एक्सटेंशन को प्रमोट कर रही है वो एक जगह लेके आ गए, तो ऐसे यूनिफिकेशन किया गया है। कोड में भी हमने क्या किया है, वो यूनिफिकेशन कोडिफिकेशन किया गया है, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन भी किया गया है कि जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको डिफरेंट फैसिलिटी दे रही है डिफरेंट स्कीम्स, तो आप ऐसा करिए सारी स्कीम को एक जगह ले आइए जो आपकी सिंक्रोनाइज्ड हो सकती हो। अब अगला है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर। तो यहाँ पर बस सिंपली देखिए, ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे कुछ फिगर इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है रिहैबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, इसमें जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल असिस्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो असिस्टेंट है फाइनेंशियल असिस्टेंट, ये कितना है। तो अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 1 लाख है, आपका 1 लाख है पर एडल्ट मेल, 2 लाख है आपका, 2 लाख है आपका किसके लिए, फॉर स्पेशल कैटेगरी बेनिफिशियरी जैसे वुमेन और चाइल्ड के लिए, ठीक है। 3 लाख है आपका, 3 लाख आपका किसके लिए, जो एक्सट्रीम डेप्रिवेशन ऑफ मार्जिनलाइजेशन है जैसे ट्रांसजेंडर है, वुमेन है और चिल्ड्रन जो रेस्क्यू किए गए हैं, तो डिफरेंटली जो आपके पीएच कैटेगरी के लोग हैं, तो इस सब में क्या है आपका 3 लाख कंपनसेशन दिया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपको जानना जरूरी है कि जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है रिहैबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, ठीक है, कहीं से आपने जो है रेस्क्यू किया है पर्टिकुलरली कुछ लोगों को। आपको पता है कि बॉन्डेड लेबर का कंसेप्शन तो आपको पता ही होगा कि जहाँ पर आपको क्या है बंधुआ मजदूर जो है, ठीक है, उसकी तरह वर्क कराया जाता है, आपको फोर्स्ड लेबर कराया जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में जो फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी रिहैबिलिटेशन के लिए, तो वो कितना होगा, 1 लाख होगा आपका जो एडल्ट मेल हो गए उनके लिए, 2 लाख होगा आपका वुमेन और चाइल्ड के लिए, और 3 लाख होगा जो एक्सट्रीम कंडीशन में या फिर जो एक्सट्रीमली मार्जिनलाइज्ड है, जो लोग पीएच कैटेगरी के लोग हैं, जो लोग डिसेबल्ड जो लोग हैं, या फिर वुमेन में भी चाइल्ड में भी जो है मार्जिनलाइज्ड जो है, ठीक है। तो डेप्रिवेशन का लेवल जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ही आपका फाइनेंशियल असिस्टेंट बढ़ता जाएगा, ये रिहैबिलिटेशन का पर्पज़ है, ठीक है, ये सब आप स्किप करना, ठीक है। और ये मैंने आपको जो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना कि इसमें जो रिहैबिलिटेशन अमाउंट है फाइनेंशियल असिस्टेंट है 100% बियर किया जाता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ही तो 100% सेंटर बियर करेगा, इसका कोई मीनिंग भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्कीम आ जाती है पीएम श्रम योगी मानधन योजना, ये आपने पढ़ा भी होगा रिसेंट में। ये पर्टिकुलरली किसके लिए है, ये पर्टिकुलरली आपकी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए। देखिए ये सारी स्कीम आपकी आएंगी एग्जामिनेशन में, तभी मैं करा रहा हूँ, ये आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किन लोगों के लिए, जिनका जो इनकम है, देखिए ये आपको हमेशा याद रखना, आपकी बहुत सारी स्कीम ऐसी है जो 15,000 से लेस के लिए है। अगर आप सोशल सिक्योरिटी नेट की बात करते हैं, लेबर के वेलफेयर को प्रोवाइड करने की बात करते हैं, तो एक जनरल जो इसमें कट ऑफ आपका अमाउंट है ये 15,000 है। तो जनरली अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप 15,000 याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर इस स्कीम में एंट्री कौन ले सकता है, जिसकी भी एज आपका 18 से 40 तक है, ठीक है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद क्या होगा कि एलिजिबिलिटी जो है किसके लिए नहीं है, जो आपके न्यू पेंशन स्कीम के अंडर कवर्ड है, या फिर आपके जो मैंने एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम आपको बताई थी उसके अंडर है, या फिर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो स्कीम है उसके अंडर कवर है, ठीक है, तो वो नहीं होंगे। और दूसरा क्या है कि आपका वो इनकम टैक्स पेयर भी नहीं होना चाहिए, अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तब भी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होती किसकी, आपकी प्रधानमंत्री पीएम श्रम योगी मानधन योजना की, ठीक है। 18 से 40 का एज ग्रुप है, इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप 15,000 से कम कमा रहे हैं, फिर आपका क्या है कि आप किसी भी इस टाइप की सोशल सिक्योरिटी में किससे कवर्ड नहीं होने चाहिए, आपका ईपीएफओ का, ईएसआईसी का और आपका न्यू पेंशन स्कीम का। अब आगे देखते हैं कि इसका
बेसिकली फीचर जो है वो क्या है कि ये आपको क्या दे रही है कि ये आपका यहाँ पर आप एज स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए क्या है कि मान लीजिए आपने 19 साल में ज्वाइन कर लिया, 19 साल में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता है कि आपको जो कॉन्ट्रीब्यूशन कम देना पड़ेगा और लंबे टाइम तक आप देते रहेंगे तो आपको क्या है एक आपका पेंशन जो बनेगा, ये बेसिकली पेंशन आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है, 60 साल के बाद में एक पर्टिकुलर पेंशन आपको मिलेगी, बट यहाँ पर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन एज स्पेसिफिक होगा। आपने 35 साल में ज्वाइन किया आपको कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा देना पड़ेगा अगर आपको एक इंश्योर्ड सम चाहिए, और अगर आपने 19 साल में ज्वाइन की तो आपको कम देना पड़ेगा उसी पर्टिकुलर के लिए क्योंकि वो ईयर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो सिंपल है। तो मिनिमम जो इसमें पेंशन मिलेगी वो आपको मिलेगी 3000 पर मंथ, ठीक है, ये मिनिमम है आफ्टर द एज ऑफ मैंने बताया था 60 साल, ठीक है। और फैमिली पेंशन इज आल्सो एप्लीकेबल, मतलब अगर किसी कारणवश 60 साल के बाद में आपकी डेथ हो जाती है तो स्पाउस जो आपकी है उनको जो ये पेंशन प्रोवाइड की जाएगी, ये ध्यान रखना आप। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया भी था यूपीएससी एग्जाम ने पूछा हुआ है कि डेथ ड्यूरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ये क्या है, स्पाउस विल एंटाइटल टू ज्वाइन एंड कंटिन्यू द स्कीम्स। देखिए ऐसा हो सकता है कि भाई आपने ये ज्वाइन किया 35 साल में और आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो और किसी पर्टिकुलर पीरियड तक और बीच में आपकी डेथ हो गई, आप बेनिफिट से पहले ही जब तक आप कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका जो स्पाउस है उनको जो है ये एलिजिबिलिटी है उनकी, और कि वो क्या कर सकते हैं कि वो उस पर्टिकुलर पीरियड तक कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और बाद में जैसे आपको ही वो पर्टिकुलर पेंशन मिलनी है ऐसे उनको मिलेगी, या उनके पास ऑप्शन है कि वो एग्जिट करके जा सकते हैं, ठीक है। तो एग्जिट अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको वो विड्रॉल मिल जाएगा, ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद का वो जो 50% का है उसको स्किप कर देना, कोई इशू नहीं है, बट मेन आप ये है कि स्पाउस को पेंशन मिलेगी और स्पाउस कॉन्ट्रीब्यूशन कर भी सकती है और एग्जिट का भी ऑप्शन है। फिर आपका नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, ठीक है, वहां पर हम श्रम योगी की बात कर रहे थे, श्रम योगी मानधन योजना, तो श्रम योगी मानधन योजना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए 15,000 से कम वालों के, यहां पर क्या है लघु व्यापारी मानधन योजना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब हम लघु व्यापारी की बात करते हैं तो हम यहां पर क्या देखेंगे, सारी चीजें आपकी श्रम योगी मानधन के इक्विवेलेंट ही आप मान लीजिए मोर और लेस, बस यहां पे व्यापारी है ट्रेडर है तो हम उनका टर्नओवर देखेंगे, वहां पर हम उनकी वेज देख रहे थे क्योंकि वो वर्कर है लेबर है, तो यहां पर जो आपका पर्टिकुलरली एज ग्रुप वही है 18 से 40, बट यहां पर इनका क्या देखेंगे हम टर्नओवर देखेंगे, टर्नओवर कितना है, तो यहां पर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ईयरली टर्नओवर की बात मैं कर रहा हूं, एनुअल टर्नओवर है, ठीक है। और ये कंडीशन है ही कि भाई आपका सेविंग अकाउंट होगा आधार, ये सब चीजें, ठीक है, ये जनरल सी कंडीशन है। और सेम चीजें हैं, मिनिमम पेंशन आपका 3000 है, सेम आपका ईयर का जो क्राइटेरिया है 18 से 40, ठीक है, तो दोनों चीजें सेम है। इंप्लीमेंटेशन जो है ये आपका एडमिनिस्टर करेगी LIC, ये याद रख लेना आप, और जो एनरोलमेंट होगा वो आपको पता ही है कि आजकल जो कॉमन सर्विस सेंटर चल रहे हैं उन्हीं के थ्रू आपका एनरोलमेंट होता है पर्टिकुलर स्कीम का। और हाँ ये जो चीज थी इसमें 50% का अगर आप याद रखेंगे कि अगर डेथ हो जाती है उस केस में वो 50% उनको पेंशन मिलेगी वो 50% है, ठीक है, तो ये दोनों केस में वो सेम ही चीज है 50% का, ठीक है, स्पाउस की जो एलिजिबिलिटी है पेंशन की वो 50% ऑफ पेंशन होगी, ठीक है, एज फैमिली पेंशन। फिर है आपका एक पर्टिकुलर पोर्टल जिसको हम बोलते हैं समाधान पोर्टल, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं क्योंकि MSME में आपका क्या हो सकता है, वहां पर भी आपका किसी टाइप का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर नॉट इन MSME बल्कि जितना भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है आपका उसका हैंडलिंग करने का, उसका मॉनिटरिंग का, ठीक है, सॉरी इसको आप स्किप करना इस लाइन को, बट ये एक डेडिकेटेड पोर्टल है जो आपका कॉन्सिलिएशन आर्बिट्रेशन एडजुडिकेशन जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसको के लिए बनाया गया है, उसकी ये आप इसकी
फुल फॉर्म से देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड डिस्पोजल हैंडलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो डेडिकेटेड पोर्टल है जो कि आपके सभी स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, लेबर, सबको एक जगह लेके आता है। और यहाँ पर क्या होता है, वर्कर्स हैज ऑप्शन टू गो द लेबर कोड डायरेक्टली इन द केस नो एक्शन इज इनिशिएटेड विद इन 45 डेज ऑफ रेजिंग डिस्प्यूट ऑनलाइन पुटिंग ए टाइम लिमिट ऑन द प्रोसेस विच इज बेसिक। मैंने आपको बताया कि जब तक ये कोड आपके इंप्लीमेंट नहीं होंगे तो वहाँ पर क्या है, आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 क्या प्रोवाइड करता है आपको, लेबर कोड में आप जा सकते हैं। तो लेबर कोर्ट का आपके पास एक ऑप्शन होता है। तो अगर आप ऑनलाइन जाते हैं इस पोर्टल पे, समाधान पोर्टल पे, आपको कोई पर्टिकुलर आपका कोई कंप्लेन है और आप रजिस्टर करते हैं तो 45 डेज का टाइम लिमिट है, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये समाधान पोर्टल है, एमएसएमई के लिए नहीं है, सिंपली ये आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए है। तो आप ये ध्यान रखना, ये कि वेब पोर्टल है, समाधान अगर आपसे पूछे, देखिए समाधान का मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ को रिजोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप याद रखना कि हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें टाइम लिमिट आप जरूर याद रखना, 45 डेज का टाइम लिमिट है। आप गए, आपने ऑनलाइन जो है क्वेरी, आपने जो भी आपके पर्टिकुलर क्वेरी कंप्लेन है वो आपने दिया, तो 45 डेज में आप क्या करना पड़ेगा, उसको रिजोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको पता है अगर एक डेडिकेटेड पोर्टल होता है तो उससे मॉनिटरिंग करनी भी ईजी हो जाती है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो प्रोसेस है उसको इजी बनाते हैं और फेयर एंड जस्ट भी बनाते हैं। अब डीजी सक्षम है, डीजी सक्षम भी अगर आप देखें तो ये क्या है आपका, डीजी सक्षम जो है आपका एक डिजिटल स्किल प्रोग्राम है टू इनहेंस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ बाई इम्पार्टिंग डिजिटल स्किल्स, ठीक है, दैट आर रिक्वायर्ड इन। आपको पता है कि आज के टाइम में मैंने बताया भी था कि डिजिटल जो टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज बहुत हो रहा है, ठीक है। हर जगह आप देख रहे होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो टेक्नोलॉजी का इतना यूज हो रहा है कि ह्यूमन जो इंटरफेस है वो कम किया जा रहा है, कि डिस्क्रिशन उससे कम हो, टेक्नोलॉजी का यूज होगा तो फेयर एंड जस्ट बनेगा आपका प्रोसेस। तो ये उसी के लिए इनिशिएटिव, ये आपका किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का है, बस यही आपको बताना था मुझे। डीजी सक्षम हम डिजिटल स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको डिजिटली एक तरीके से स्किल बना रहे हैं, और ये प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो एंड एम्प्लॉयमेंट है उसके साथ मिलकर किया, ठीक है, दोनों का जॉइंट है। यहाँ पर बस ये आप याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, लेबर मिनिस्ट्री तो आप याद रख ही लेंगे, डीजी सक्षम, ठीक है, यही मुझे आपको बताना था, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो डिजी सक्षम प्रोग्राम है वो किस पर्टिकुलर कंपनी ने जॉइंटली लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ में, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किया है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें, नेशनल कैरियर सर्विस आपको पता है एक पर्टिकुलर पोर्टल है जहाँ पे आपके जॉब सीकर्स और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं दोनों को एक्सेस दिया जाता है, और आपको पर्टिकुलर स्किल के लोग वहाँ पे प्रोवाइड भी हो सकते हैं, ठीक है, आप रिक्रूट कर सकते हो, आपको एक पर्टिकुलर जो भी आपका टारगेट ग्रुप है वहाँ पे आपको मिल सकता है। तो ये पोर्टल है, इसको ज़्यादा आप, अब दूसरा है ई श्रम पोर्टल, ये भी आपने सुना होगा रिसेंटली। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपका नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है। तो यहाँ पर ई श्रम पोर्टल बनाया किस लिए है कि भाई जो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर लेबर वेलफेयर में सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज जो ग्रुप है वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो 80-90% ऑफ इंडियाज लेबर जो है वो किस में वर्क कर रही है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो हमें हमेशा एक फोकस रखना चाहिए, उसी के तहत गवर्नमेंट ने ये एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव लिया है, ई श्रम पोर्टल इसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा, आपके अनऑर्गेनाइज जो वर्कर है उनका एक डेटाबेस होगा, और जितने भी वर्कर होंगे उनको एक कार्ड दिया जाएगा, ई श्रम कार्ड। आपने देखा भी होगा पिछले 1-2 सालों में कि ई श्रम कार्ड का वितरण किया गया पर्टिकुलर जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा। तो ये पर्टिकुलर स्कीम है, ये आपको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर देता है जिसमें आप गवर्नमेंट की वेरियस जो आपकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उनका बेनिफिट ले सकते हैं इस पर्टिकुलर आपके कार्ड के थ्रू, इस पर्टिकुलर जो कार्ड है, जो ये नंबर है इसके थ्रू। तो इससे क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन बिकम्स इजी, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन इजी हो गया। और इसमें जो है आपका, जैसे ये आपका अगर कार्ड बन गया
तो अब आपको दो फैसिलिटी जो इम्पोर्टेंट मिल गई, वो क्या मिल गई? एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप रजिस्टर्ड हो गए हैं वहाँ पे, ठीक है, तो आप ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम को बेनिफिट कर ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पर आपको एक एक्सीडेंटल कवर मिल गया। उस एक्सीडेंटल कवर में अगर डेथ हो जाती है या किसी टाइप का आपका परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, आप काम नहीं कर पाएंगे अब आगे जीवन में, तो आपको 2 लाख रुपये मिलेगा, और अगर आपका पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो आपको 1 लाख रुपये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है उनको इंश्योर्ड भी कर दिया गया है ई श्रम पोर्टल के थ्रू। आपने रिसेंट में देखा होगा, 1-2 साल में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है और गवर्नमेंट ने इसको बढ़ चढ़ के प्रमोट भी किया है। ई श्रम पोर्टल के बाद में प्रोविडेंट फंड देखिए, सिंपल सा आपको पता ही है कि प्रोविडेंट फंड, थोड़ी सा इसके बारे में पढ़ लीजिए, ये क्या है आपका, कैन बी ओपन, देखिए ये तो पुरानी, अब तो आपको पता है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, बट किसी पोस्ट ऑफिस पे थ्रू आउट द कंट्री एंड एट सर्टेन डेजिग्नेटेड ब्रांचेज, तो ये पुराना लिखा हुआ है, बाकी इसमें ये जो मटेरियल जो स्लाइड में है तो इस पर आप फोकस मत करना, बट आपको पता है आज के टाइम में एक यूनिवर्सल आपका नंबर हो गया है, पीएफ पोर्टेबल भी हो गया है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता भी दी, ठीक है। तो लिमिट वगैरह तो सब बढ़ती करती रहती है इसमें, आप जो इंटरेस्ट रेट भी होता है पीएफ का, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट रिवाइज करती रहती है, तो उससे बहुत सारे, जैसे ही रिवाइज करती है अगर बढ़ा देती है तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, अगर घटा देती है तो आपको पता है रिजर्वेशन होते हैं, तो सब वेरी करता रहता है, इस पर आप फोकस मत करना। इस पर मैं MCQ बना दूंगा पीएफ पे, उसमें देख लेना। नेक्स्ट है आपका अटल पेंशन योजना। देखिए अटल पेंशन योजना भी उतनी इंपॉर्टेंट स्कीम है आपकी। ये बेसिकली क्या है, स्कीम वाज पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये आपका 2015 में लॉन्च की गई थी, 9th में, तो आप याद रखे ना रखे बट 2015 जरूर याद। देखिए 2015 में बहुत स्कीम लॉन्च की गई थी और इंपॉर्टेंट स्कीम, जो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, आपका अमृत स्कीम हो गई, बहुत स्कीम जो है आपकी 2015 में लॉन्च की गई है, स्किल इंडिया मिशन भी 2015 में लॉन्च किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ स्कीम है जो आपकी 15 में ही लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आप एक बार 15 की स्कीम को तो जरूर देख लेना, क्योंकि ईयर वाइज भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर है आपका एडमिनिस्ट्रेटर कौन करेगा, ये करेगा अटल पेंशन बीमा, अटल पेंशन योजना को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, थ्रू नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, NPS के थ्रू ये आपका करेगी। और एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी एज ग्रुप क्या है, 18 से 40 का एज ग्रुप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एज ग्रुप कौन सा है आपका, 18 से 40 का एज ग्रुप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका UPSC ये पूछ भी चुकी है क्वेश्चन, ठीक है। तो द कॉन्ट्रीब्यूशन लेवल वुड वेरी, आपको पता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन तो वेरी करेगा, अगर आप 18 की आप 19 में ज्वाइन करते हो, 20 में ज्वाइन करते हो, तो ऐसे ही आपका एज स्पेसिफिक होता है, बट जो एज ग्रुप है वो 18 से 40 है, ठीक है। अब बेनिफिट क्या मिलेंगे, देखिए पेंशन स्कीम है तो आपको जाहिर सी बात है 60 साल के बाद में आपको पेंशन मिलेगी, और उस पेंशन की जो रेंज होगी वो 10,000 से लेके 5,000 तक है, इसमें ये वेरिएशन नहीं है ज्यादा। वहां पर जब हमने श्रम योगी मानधन की बात की थी तो मिनिमम 3,000 था, बट यहाँ पे 1,000 से लेके 5,000 तक है, ठीक है, तो ये आप याद रखना। और इसमें भी क्या है, आपका पेंशन मिलेगा आपका स्पाउस को, ठीक है। और दूसरा क्या है, टैक्स बेनिफिट, ये कि इसको भी आप याद रखना कि कंट्रीब्यूशन जो आप देंगे अटल पेंशन योजना में, ये आपकी जो, देखिए जब भी आप टैक्स देते हैं आपके टैक्सेबल एक इनकम होती है, अगर उसमें से आप कुछ अमाउंट कहीं पे दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हो किसी सोशल सेक्टर स्कीम में कर रहे हो, तो ऐसे ही अगर आप अटल पेंशन योजना में आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं तो आपकी जो इनकम है उसमें से वो पर्टिकुलर अमाउंट हटा के उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम आपकी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे एक बेनिफिट होता है। अब है नेशनल पेंशन स्कीम, देखिए इसके कुछ इंपोर्टेंट आप याद रख लेना। वैसे तो ये क्या था, देखिए आपको ओल्ड पेंशन स्कीम अभी भी बहुत कंफ्यूजन रहता है, अभी भी बहुत सारी गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वापस ओल्ड पेंशन स्कीम में जा रही है, जिसमें एक कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है गवर्नमेंट का उस टाइप का होता था, और बाकी बहुत ज़्यादा अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ तो न्यू पेंशन स्कीम ने फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है, और इसमें 4 इंपॉर्टेंट मॉडल होते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ, ये आपका सभी सिटीजन के लिए ये ओपन कर दी गई थी 2009 में, 2004 में ये स्टार्ट की गई थी, तो 2009 में सबके लिए ये अवेलेबल करा दी गई, सब लोग एलिजिबल हो गए, ठीक है, सभी सिटीजन्स के लिए इसकी एलिजिबिलिटी हो गई। तो उसमें 4 मॉडल बन के आते हैं कि सभी गवर्नमेंट के लिए, कॉरपोरेट का मॉडल अलग होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मॉडल अलग होगा,
सिटीजन वाला मॉडल अलग होगा, ठीक है, एक और एक अदर मॉडल भी रहेगा, ठीक है। तो चार पर्टिकुलर मॉडल हो गए, तो इससे कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आपने अलग अलग मॉडल दे दिए अलग अलग सेक्शन ऑफ सिटीजन और एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। तो मोर फ्लेक्सिबल है, तो याद इतना रखना है कि जनवरी 2004 से ये एप्लीकेबल हुई थी, 2009 में इसको ओपन कर दिया था सभी सिटीजन के लिए, सभी सेक्शन ऑफ वर्कर्स के लिए, ठीक है। स्कीम में उसी टाइप से होता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे और कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे फिर आपका जो पर्टिकुलर अमाउंट है, जो भी आपका पेंशन बनेगा आपका रिटायरमेंट के बाद में, ठीक है। और मैनेज इसको भी आपका पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगा, इतना आप बस याद रखना, ठीक है। एमसीक्यू में मैं दो तीन चीजें बता दूंगा जो गवर्नमेंट वाले में कंपलसन है या बाकी जो अलग है उसके बारे में, ठीक है। चैंपियन पोर्टल में इसलिए देखें, ये है डेडिकेटेड पोर्टल आपका एमएसएमई के लिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि जब भी अगर हम लेबर वेलफेयर की भी बात करेंगे उसमें भी आपका एमएसएमई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया में मैं बात करूँ तो आपका जो मेजर सेक्शन ऑफ लेबर है वो वर्क किस में करता है, एमएसएमई इंडस्ट्री में करता है। एमएसएमई आपकी जो है आधे से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो स्मॉल इंडस्ट्री जो है, तो यहाँ पर उसके लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाया गया है एमएसएमई के लिए, जिसको चैंपियन पोर्टल बोलते हैं। इसको आप फुल फॉर्म पे भी मत जाना, बस इतना ध्यान रखना जो चैंपियन पोर्टल है ये क्या कर रहा है, ये एक तरीके से सिंगल विंडो सिस्टम है जो हेल्प करता है एमएसएमई का किस चीज में, कि इन दिस फिनेंस में, रॉ मटेरियल में, लेबर में, परमिशन में। देखिए यहाँ पर क्या है कि एमएसएमई जो इंडस्ट्री के जो अभी पर्टिकुलर जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, जो ओनर्स हैं उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराना, उनको किसी टाइप का अगर परमिशन कोई लेना है, लेबर से रिलेटेड कोई इशू है, तो इस पोर्टल पे आके अपना वो पर्टिकुलर चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर कोई क्वेरी कोई कंप्लेन है उसको रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। आफ्टर चैंपियन पोर्टल ये आपका नेशनल कैरियर सर्विस है, नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट जो है ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, इसको आप देख लेना एक बार कि ये जो पर्टिकुलर आपका प्रोजेक्ट है ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली आपको क्या करा रहा है, फ्री ऑनलाइन कैरियर स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फ्री ऑनलाइन कैरियर स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा है, और ये किसके थ्रू कर रहा है, तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कोर्स लॉन्च किया गया है नेशनल कैरियर सर्विस का, ये आपका जो TCS कंपनी है, जो टाटा की, आपको पता है कि टाटा की एक जो आपकी सॉफ्टवेयर के फील्ड में कंपनी है, IT कंपनी है, वो आपकी TCS है, तो उसी के थ्रू ये प्रोजेक्ट आपका इंप्लीमेंट किया जा रहा है। दूसरे अगर मैं बात करूँ ये लॉन्च कब किया गया था, तो ये आपका 5-year मिशन मोड प्लान में लॉन्च किया गया था 2015 में, ठीक है। तो ई गवर्नेंस का ही पार्ट है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आप बस ये याद रखना 2015 में, और इसका जो पार्टनर है वो TCS है। सो यहाँ पर स्कीम्स का जो चैप्टर था वो एंड हो गया, इसके बाद जो MCQ का आपके लेक्चर रहेंगे उसमें सारी जो बची हुई स्कीम है, जैसे दो आपके अटल पेंशन के साथ में ही आप भी देख लेना जाके, जीवन ज्योति बीमा जो स्कीम है वो भी इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री जो रोजगार स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम टाइप स्कीम है, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। आपका जो पुरानी स्कीम थी उनके नेम चेंज हो गए, वो भी मैं आपको MCQ में बता दूंगा, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर स्कीम सेक्शन, और इसके बाद में फिर हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में MCQ और बाकी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू सो मच।